आरआरआर में सर स्कॉट बक्सटन का किरदार निभा चुके हॉलीवुड एक्टर रे स्टीवेंसन का 58 इयर्स की उम्र में निधन हो गया। उनके मौत के कारण की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन वो इटली के आइलैंड इश्किया में एक्शन मूवी कसिनो का शूट कर रहे थे जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, जहां बाद में उनकी मृत्यु हो गई। किंग आर्थर, थॉर, पनिशर, वॉरजोन और रीसेंट में आरआरआर, ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें रे स्टीवेंसन ने अपनी एक्टिंग से एक अमिट छाप छोड़ दी दर्शकों के मन पर। इसके साथ ही स्टीवेंसन नजर आए रोम, वाइकिंग्स एंड डेक्स्टर जैसी पॉपुलर टीवी शोज में। आयरिश मूल के अभिनेता रे स्टीवेंसन का अपने जन्मदिन माने 25 मई से 4 दिन पहले ही निधन हो गया और इस दुर्भाग्यपूर्ण खबर से पूरा एंटरटेनमेंट जगत शोक में डूब गया है। आरआरआर के डायरेक्टर एसएस राजामौली ने इस दुखद खबर पर शोक व्यक्त करते हुए ट्विटर पर लिखा, शॉकिंग, जस्ट कांट बिलीव दिस न्यूज। रे ब्रॉट इन सो मच एनर्जी एंड वाइब्रेंसी विथ हिम टू द सेट्स। इट वॉज इन्फेक्शियस। वर्किंग विथ हिम वॉज प्योर जॉय। माई प्रेयर्स आर विथ हिज फैमिली। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। आरआरआर में स्टीवेंसन के सह कलाकार रामचरण और जूनियर एनटीआर ने भी ट्वीट कर लिखा, शॉकिंग एंड डीपली सैडेंड विद द न्यूज ऑफ रे स्टीवेंसन पासिंग अवे। रेस्ट इन पीस डियर स्कॉट, यू विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर। जूनियर एनटीआर लिखते हैं, शॉक्ड टू हियर अबाउट रे स्टीवेंसन पासिंग, गॉन टू सून। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विथ हिम। May his soul rest in peace. My thoughts and prayers are with his family and dear ones during the difficult time. ENT Live की पूरी टीम की तरफ से रे स्टीवेंसन को भावभीनी श्रद्धांजलि।